नमस्ते, हरीनास कुकिंग लैब में स्वागत है आपका। आज की वीडियो में हम बनाने वाले हैं तुवर दाना और मुठिया की सब्जी बनाएंगे। इस सब्जी को आप सेमी उंधियू भी बोल सकते हैं। ये सब्जी इतनी टेस्टी बनती है कि एक बार तो आप उंधियू भी भूल जाएंगे। आज की रेसिपी की एक खास बात ये है कि आज जो हम मुठिया बनाने वाले हैं उसको हम बिना फ्राई किए हुए बनाएंगे। तो चलिए बिना प्याज और लहसुन का इस्तेमाल किए आज की सब्जी की रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले एक बर्तन में 2 से 3 ग्लास पानी गर्म रखना है। अब इसमें धुला हुआ पालक 2 कप डाल देंगे। अंदाजे से 200 ग्राम जितना पालक होगा। अब इसे ढक के 2 से 3 मिनट के लिए पकने देंगे। 3 मिनट बाद पालक अच्छे से पक जाए, अब इसे तुरंत ही ठंडे पानी में डाल देना है ताकि इसका कलर है वो डल ना पड़े। अब मुठिया का डो तैयार करेंगे, जिसके लिए 1 कप मेथी धुली हुई ली है। आज की ये सब्जी हम 4 से 5 लोगों के लिए बना रहे हैं, इसलिए यहाँ पे 50 से 100 ग्राम मेथी ली है। थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे। 3 बड़े चम्मच बेसन डालना है। 1/3 कप गेहूं का आटा ले लेंगे, नॉर्मल जो गेहूं का आटा आता है वही लिया है। 1/3 कप जो मक्की का बारीक वाला रोटी बनाने का आटा आता है वो लिया है। मक्की के आटे की जगह पे आप बाजरे का आटा भी ले सकते हैं। 2 बड़े चम्मच सूजी लेनी है। 1/4 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच अदरक का पेस्ट और स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। 1 बड़ा चम्मच पीसी हुई शक्कर और 1/2 छोटा चम्मच गरम मसाला डालेंगे। 1 बड़ा चम्मच तिल, 1/4 चम्मच हींग और 2 चुटकी जितना बेकिंग सोडा डालना है। अगर आप बेकिंग सोडा नहीं डालना चाहते तो स्किप कर सकते हैं। बेकिंग सोडा डालने से मुठिया थोड़े सॉफ्ट बनेंगे। 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर और 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर ले लेंगे। 1/2 चम्मच तेल डाल देंगे, कोई भी कुकिंग ऑयल ले सकते हैं। अब सारे आटे और मसाले मिक्स करके मुठी का डो तैयार करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी रेसिपीज पसंद आ रही है पर चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन को भी क्लिक कर ले ताकि आने वाली सारी नई रेसिपी की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के डो तैयार करेंगे। देखिए, मुठिया का डो तैयार हो गया है। अब इसमें से मुठिया बना लेंगे। हाथ को तेल से थोड़ा सा चिकना करेंगे और इसमें से मन चाहे ऐसे बड़े या छोटे मुठिया तैयार करेंगे। मेरे घर में सब्जी में मुठे थोड़े से बड़े पसंद करते हैं, इसलिए मैं बड़ी साइज़ के बना रही हूँ। आप चाहे तो इससे भी छोटे बना सकते हैं। इस तरीके से सारे मुठे तैयार कर लेंगे। सब्जी के लिए ग्रेवी तैयार करेंगे, जिसके लिए 1 बड़ा चम्मच काजू और 1 बड़ा चम्मच सिंगदाने लिए है, 2 हरी मिर्च लिए है, 1 बड़ा चम्मच सूखा नारियल का बुरादा लिया है। पालक जो हमने उबाल के रखा था वो डाल देंगे। यहाँ आप काजू या तो सिंगदाने कोई भी एक भी ले सकते हैं। 1 कैप्सिकम चॉप किया हुआ लिया है। काजू और सिंगदाने की जगह पे आप मगध तरी के बीज भी ले सकते हैं। थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे। 2 से 3 चम्मच जितना पानी डाल के इसे पीस के स्मूथ पेस्ट तैयार करेंगे। देखिए, इस तरीके की चटनी जैसे पेस्ट तैयार करनी है। अब कुकर में 2 बड़े चम्मच तेल गरम रखेंगे। इसमें 1 छोटा चम्मच राई दाना डालेंगे। अब जो सुरती पापड़ी आती है उसके दाने निकाल के डालने हैं। 1/4 कप मैंने ये दाने लिए हैं। और जो तुवर दाना आता है वो लेना है, 1 कप तुवर दाना लेना है। इसे तेल में 2 से 3 मिनट के लिए ऐसे ही हिला के पकाएंगे। 2 मिनट बाद इसमें 1/2 चम्मच हल्दी और स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। इस वक्त आपको नमक बहुत ज़्यादा नहीं डालना है क्योंकि हम पीछे से ग्रेवी में भी नमक डालने वाले हैं। मिक्स करके 1 कप जितना पानी डालेंगे और इसमें 3 से 4 सीटी आने तक पका लेंगे। 3 सीटी आने के बाद कुकर को रूम टेम्परेचर पे ठंडा कर लेंगे। अब 1 कप स्टैंड लेंगे और इसमें थोड़ा सा तेल हर मोल्ड में गर्म रखेंगे और मुठिया को इस तरीके से रख के इसे हर तरफ से पलटाते हुए सीख लेंगे। आप चाहे तो इन मुठिया को स्टीम करके भी ले सकते हैं, पर अगर इस तरीके से सेमी फ्राई किए हुए मुठिया डालेंगे तो वो ज़्यादा टेस्टी लगेंगे। इस तरीके से बनाए हुए मुठिया जैसे फ्राई किए हो वैसे ही लगेंगे। अब ग्रेवी में तड़का लगाने के लिए 2 बड़े चम्मच तेल गरम रखेंगे।
इसमें डालेंगे एक छोटा चम्मच राई, एक छोटा चम्मच जीरा और एक बड़ा चम्मच तिल। राई, जीरा और तिल थोड़े से तड़क जाए, अब इसमें डालेंगे एक छोटा चम्मच अदरक का पेस्ट और एक चौथाई चम्मच हींग। हींग और अदरक के पेस्ट को 10 से 20 सेकंड के लिए इसमें अच्छे से पकाएंगे। अब हमने जो पालक की पेस्ट तैयार की थी वो डाल देंगे। आधा कप जितना पानी मिक्सी में डाल के इसमें डाल देंगे। अब इसमें स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। नमक बहुत ज़्यादा नहीं डालना है क्योंकि हमने जो दाने पकाए हैं उसमें भी थोड़ा नमक डाला हुआ है। नमक को मिक्स करेंगे और इसे ढक के 3 से 4 मिनट के लिए स्लो फ्लेम पे पकने देंगे। 4 मिनट के बाद ग्रेवी को चेक करेंगे। अब इसमें हमने जो दाने पका के रखे थे वो डाल देंगे। अब इसमें सारे मुट्ठी डाल देंगे। ये मुट्ठे इतने टेस्टी बनते हैं कि आप सुबह के चाय के साथ भी इसे नाश्ते में ले सकते हैं। मुट्ठी को मिक्स कर लेंगे। अब इसमें एक बड़ा चम्मच शक्कर, एक छोटा चम्मच गरम मसाला और एक बड़ा चम्मच नींबू का रस डाल देंगे। यहाँ पे अगर आप मीठा खाना पसंद नहीं करते तो आप शक्कर को स्किप कर सकते हैं। इसे सब्जी में अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ढक के 2 मिनट के लिए स्लो फ्लेम पे पकने देंगे। 2 मिनट के बाद सब्जी को चेक करेंगे। देखिए, हमारी दाना मुठिया की सब्जी तैयार है। इसमें ऊपर से 1 चम्मच घी डालेंगे और हरा धनिया डालेंगे। ऊपर से इस तरीके से घी डालने से इसमें टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। अभी सर्दियों में ये दाने मुठिया की सब्जी को घर पे ज़रूर बनाइए। इसमें ऊंधे बनाने जितनी झंझट भी नहीं है, टेस्टी भी बहुत बनती है और समय भी कम लगता है। इस गर्मा गर्म सब्जी को पराठा या रोटी के साथ सर्व कीजिए, सबको बहुत ही पसंद आएगी। इस सब्जी से जुड़े हुए आपके कोई भी सवाल हो तो आप मुझे YouTube में कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इस तरीके से सेमी फ्राई किए हुए मुट्ठे भी बहुत ही सॉफ्ट बनेंगे। रेसिपी आज की ये पसंद आई हो तो लाइक करके शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लें।